बड़ी खबर पुणे से है, जहां पुणे बेंगलुरु हाईवे पर नावले पुल पर एक बड़ा हादसा होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां करीब 48 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुणे फायर ब्रिगेड और पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। तो आपको बता दें कि हादसे में करीब 40 से 50 लोग घायल हो गए हैं। पास के एक निजी अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। यह हादसा करीब 9 बजे के आसपास हुआ है। हादसे के दौरान सड़क पर तेल फैल गया, जिससे सड़क पर फिसलन बढ़ गई और वाहनों की संख्या बढ़ गई। सिंगड़ और दत्तबाड़ी थाने के अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही 12 से 15 एम्बुलेंस भी दुर्घटनास्थल पर पहुंच गई। हादसा इतना भीषण था कि 48 गाड़ियां आपस में टकरा गई। सतारा से मुंबई की ओर जाने वाले रास्ते में करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो गई। तो बड़ी खबर आपको पुणे से बता रहे हैं, जहां पुणे बेंगलुरु हाईवे पर नावले पुल पर एक बड़ा हादसा हुआ है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, पुणे बेंगलुरु हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 40 से 50 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई संख्या में लोग घायल हुए हैं। कैसे यह हादसा हुआ और फिलहाल क्या कुछ अधिक जानकारी? इस तरह से कल रात को यह हादसा हुआ था पुणे बेंगलोर हाईवे पे, जो बड़े पैमाने पे विथ हाईवे माना जाता है, वही उस पर ही सामने से एक तेज रफ्तार से आने वाली जो कार थी, उसने सामने वाली गाड़ी को टक्कर देने के वजह से आपस में 40 से 50 आसपास गाड़ियां एक में को भिड़ गई। उसमें कई लोग भी घायल हुए हैं। जिस प्रकार से जानकारी आ रही है, सभी के ऊपर नजदीक की जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उनके ऊपर इलाज भी चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो हादसा हुआ, ये एक तरह से जो सिनेमा में जो बताया, पिक्चरों में जो बताया जाता है, उस तरीके का ये हादसा माना जा रहा है। और इसमें अभी जो जो दुर्घटना में जो लोग जख्मी हुए उनके ऊपर उपचार, उनके ऊपर जो अस्पताल में उपचार भी शुरू है। लेकिन जिस प्रकार से जो हादसा जो शाम को हुआ, तो उसके वजह से जो पुणे बेंगलुरु जो हाईवे था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। और उसके बाद कई एक दो घंटे के बाद फिर से वो रास्ता शुरू किया गया। संतोष, ये भी बताया जा रहा है कि सड़क पर तेल फैलने के चलते जो है सड़क पर फिसलन बढ़ गई, जिसके चलते गाड़ियां जो है वो अनियंत्रित हो गई और एक दूसरे से टकरा गई, जिसके चलते कई लोग घायल भी हुए। जो एक जो स्विफ्ट डिजायर जो गाड़ी थी वो बड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी, और जो सामने वालों ने जो आगे की जो गाड़ी थी, जब उन्होंने ब्रेक लगाया तो ये गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। और उसके ऊपर चढ़ने के बाद जो आगे की जो गाड़ियां थे उसके ऊपर भी वो चढ़ने की वजह से 3-4 गाड़िया के ऊपर वो उसने राउंड मारा और उसके बाद वो नीचे गिर गई। तो वही उसमें जो बाकी के जो गाड़ी में जो लोग बैठे थे और जो ये जो गाड़ी थी जो तेज रफ्तार से आ रही थी, उसमें के 3 से 4 जन लगातार जो लोग है वो गंभीर रूप से घायल है और उनके ऊपर उपचार चल रहा है। लेकिन जो दूसरे जो गाड़ी जिसके ऊपर वो जो गाड़ी जो चल उनकी जो आ गई थी, तो उसमें के जो प्रवासी थे वो कम उनको स्थिति पहुंची है जी। लेकिन ये जो 3 से 4 लोग है उनके ऊपर अभी भी जो वहाँ का जो हॉस्पिटल है उनके उसमें उपचार चल रहा है। संतोष, फिलहाल घायलों की हालत कैसी बताई जा रही है? कितने लोग जो हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं और कितने लोगों को फिलहाल डिस्चार्ज कर दिया गया है? अभी तक तो जिस प्रकार से जो खबर आ रही है उसमें 6 से 7 लोग घायल है और उनके ऊपर उपचार चल भी रहा है। और कुछ जो लोग जिनको कम स्थिति पहुंची थी उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। लेकिन 6 से 7 लोग हैं वो जो घायल अति बताए जा रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी उपचार चल रहा है जी। संतोष, धन्यवाद इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो हादसे में कम से कम 40 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सड़क पर तेल फैल जाने के चलते गाड़ियां जो है वो अनियंत्रित हो गई और टकरा गई, जिसके चलते भीषण सड़क हादसा हो गया।